तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता में जमकर चले, लाभ घुसे भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आपस में जमकर भिड़े, बीजेपी नेता बोले क्या यही मोहब्बत की दुकान चलाते हैं राहुल गांधी। 11 सितंबर तक 5 दिवसीय दौरे पर यूरोप जाएंगे राहुल गांधी। फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे में देंगे लेक्चर। भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह में नहीं होंगे शामिल। 10 सितंबर को एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे किसान। हरियाणा के सोनीपत में की जाएगी महापंचायत। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए 12,000 कर्मचारी विशेष ड्यूटी पर। MCD ने भी की पूरी तैयारी। 6 और 7 सितंबर दोनों दिन कृष्ण जन्म के ज्योतिषीय योग के अनुसार 6 की रात को ही मनाना चाहिए। वहीं द्वारिका, मथुरा और श्रीनाथ जी सहित बड़े मंदिरों में 7 को मनेगा कृष्ण जन्म। G20 निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस ने कहा यह बीजेपी की निजी प्रॉपर्टी नहीं जो वो अपनी इच्छा अनुसार देश का नाम बदल रही है, संविधान के खिलाफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और LGV के सक्सेना ने एक साथ 400 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। बसों की संख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा। अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान की सक्सेस के लिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने बेटी सुहाना और अभिनेत्री नयनतारा के साथ तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन। 7 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी जवान। टीम इंडिया की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा होना चाहिए देश के नाम ट्रेन के बीच। वीरेंद्र सहवाग ने की BCCI से मांग। पीएम मोदी का जबरा फिन। सूरत के एक आर्किटेक्ट ने 7,200 हीरो से बनाया प्रधानमंत्री का फोटो। 17 सितंबर को बर्थडे पर देंगे उपहार। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जेट डील विजय। यूक्रेन की साझा मदद। G20 बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे कई मुद्दों पर चर्चा। जमीयत उलमाए हिंद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के समर्थन का किया ऐलान। नूह हिंसा पर मौलाना अरशद मदनी बोले अपने वादों से मुकरा RSS। आदित्य अलवन ने सफलतापूर्वक बदली दूसरी कक्षा। 10 सितंबर को तीसरे ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा, इसरो ने जारी की अपडेट। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया उत्तर भारत का पप्पू, तो वही सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि को बताया दक्षिण भारत का पप्पू। वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का हुआ ऐलान। अश्विन, चहल, धवल, बाहर KL राहुल, अक्षर पटेल और सूर्य कुमार की हुई वापसी। 6 खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, 4 तीसरी बार उतरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MP के CM शिवराज सिंह को बताया राजनीति का धोनी। कहा शुरुआत कैसे भी हो अच्छा फिनिश कर मैदान जीतना जानते हैं। G20 सम्मेलन में होगा 27 देश और दर्जनों वैश्विक संगठनों का महाकुंभ। रूस और चीन बैठक में नहीं लेंगे हिस्सा। उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करो, 10 करोड़ कम पड़े तो और ले लो। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य का नया ऐलान। कहा देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पेड़ फिसलने से गिरे नीतीश कुमार। सुरक्षा गार्ड्स ने उठाए सीनेट हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो फिर से होगा शुरू। देखने को मिलेगी छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की शौर्य गाथा। गुमराह कर रहे डिप्टी CM फडणवीस। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर नाना पटोल का बड़ा बयान। बीजेपी पर झूठे वादे का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। खेतों का दौरा, बाजरा, रंगोली, लाइव कुकिंग। G20 में आने वाले नेताओं की पत्नियों के लिए हुए कई खास इंतजाम। दिल्ली में 7 से 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेंगे बंद। DCP ने दिया तय समय में वाहनों को हटाने का आदेश। महाराष्ट्र के जालना में हुई हिंसा पर शिवसेना का बड़ा हमला। कहा CM और दोनों डिप्टी CM जाने से कतरा रहे उद्धव ठाकरे ने लोगों से की मुलाकात। G20 समिट में कौन आ रहा है इसके बजाय मुद्दों पर होना चाहिए फोकस। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बीजेपी नेताओं ने शुरू किया देश के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल। असम CM हिमंत बिस्वा सरमा बोले रिपब्लिक ऑफ भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग अंदाज में दी शिक्षक दिवस की बधाई। बोले मैं अपने विरोधियों को भी अपना गुरु मानता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत दौरे से पहले अमृतसर के कलाकार ने बनाई खास पेंटिंग। कहा मैं चाहता हूं कि व्हाइट हाउस में लगे तस्वीर। इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा। UP सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। मतदाताओं में दिखा उत्साह। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अगर इंडिया एयरलाइंस ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या देश का नाम बदलकर बीजेपी रखेंगे। 10 सितंबर को एशिया कप में फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। कोलंबो में हुआ आमना सामना, नेपाल पर जीत से तय हुआ मैच। इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा हमारे लिए दी गई गाली, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, यह है गुलामी का प्रतीक, संविधान में हो संशोधन। मोदी सरने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, सबका साथ सबका विकास हमारा सिद्धांत, मनी कंट्रोल से खास इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी। एडवांस टिकट बिक्री में शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तोड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड, ओपनिंग डे पर सबकी नजर। 2047 तक टेक सिस्टम से जुड़ेंगे 41 करोड़ और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई उम्मीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा राज्य को बीमारू बनाकर छोड़ दिया था। पंजाब में आप और कांग्रेस के गठजोड़ पर बीजेपी ने साधा निशाना, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले अब चोर और सिपाही मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मेरे सिर के लिए 10 रुपए का कंघा ही काफी है, अयोध्या के संत की सिर कलम करने की धमकी पर उदयनिधि स्टालिन ने दिया जवाब। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग, 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने CGI को लिखी चिट्ठी। सनातन तो सनातन है, इसका अंत करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर किया पलटवार। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला, कहा सनातन को खंडित करने की कोशिश, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक। यूपी के घोसी उपचुनाव में हुए मतदान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा, कहा बीजेपी की जीत के डर से सप्पा लगा रही अनर्गल आरोप। पीएम मोदी और अमित शाह से दोबारा मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, आर्थिक सहायता की करेंगे मांग। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन COVID-19 पॉजिटिव, G20 समिट में भाग लेने के लिए आना था भारत। स्कूलों में देश की विभिन्न संस्कृति और विविधता का जश्न मनाए, शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने दिया संदेश। अब UPI पर भी मिलेगी कर्ज की सुविधा, RBI ने दी मंजूरी, बैंकों को लेनी होगी ग्राहकों की अनुमति। सप्ताह के लगातार दूसरे दिन भी हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 152 अंकों की तेजी के साथ 65,780 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 19,574 पर हुआ बंद। ग्राहकों को मिलेगी राहत, त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेगी खाद्य तेल की कीमतें, FMCG कंपनियों ने कहा स्थिर रह सकते हैं तेल के दाम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने दिया निमंत्रण, G20 डिनर को लेकर कांग्रेस ने लगाया आरोप, कहा सरकार ने बदला नाम, यह संविधान के खिलाफ। जी हाँ, G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाली G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। अब तक यह परंपरा थी कि सभी आधिकारिक दस्तावेजों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यह पहला मौका है जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से इंडिया शब्द चर्चा में है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने कहा अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। हाल ही में